तो हाय हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? फिर से आपका एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो अभी फिलहाल मैं हूं अभी पांड्रा में, और पांड्रा में एक भैया जो चंदन भैया, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था कि बाबू आओ मेरा घर देख के जाओ और मेरा घर में आप लंच करके जाओ। यूं तो चंदन भैया से हम मिले नहीं थे पहले, लेकिन जो खतियान वाला जो दौड़ हुआ था जिसमें अमित माधव आए थे और गुंडुबा से लेकर दौड़े थे पूरा निरसा तक, उसी बीच हमारा मुलाकात हुआ। चंदन भैया ने मुझे जाना और मैंने उनको जाना, तो आखिरकार वो मेरे को लेने के लिए मेरे घर तक आए, मतलब मेरे को मेरे घर से उठाया और बोला कि चलो मेरा घर देख के आएगा, मेरा घर में लंच करेगा। तो चलो मैं आपको मिलवा देता हूँ चंदन भैया से। तो आप देख सकते हैं चंदन भैया यहीं पे है, हाय, जो जिनका घर ये पांड्रा में ही है। तो अभी हम फिलहाल पांड्रा मार्केट में ही है और यहाँ रुके हैं, तो सोचे चलो ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर भैया का घर भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। भैया मेरे को कहाँ कहाँ घुमाएंगे सब बताएंगे, और भैया कुछ बोल रहे हैं सुन लीजिए। एक्चुअली मैं ना हमारे घर में मतलब आज 2 महीना हो गया, पहले तो नॉनवेज बनता था, अभी नॉनवेज नहीं बनता है, तो इसलिए विशाल बाबू को थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँगा। हम लोग ये होटल चिकन तो ले लिए, होटल में बनाएंगे और बढ़िया जगह जाके एकांतरित कहीं आजकल अच्छा पेड़ के नीचे छाव हो, मिले, धूप भी बहुत ज़्यादा ये है। कार से नहीं निकलेंगे, घर से बाइक निकालेंगे और कहीं होटल में पहले तो उसको बनाने देते हैं, भूख भी लगा है, टाइम होने का है खाने का। चलिए फिर ब्लॉग में आप लोग बने रहें। हम लोग बस यहाँ सब निकलने वाला है चंदन भैया के घर की ओर। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ चंदन भैया के बेटे कृष्णा, ना बाबू कृष्णा, कृष्णा भी यहाँ पे है। ये है जो सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड मोर सपोर्ट योर ब्रदर विशाल माधव। देखते हैं कैसे टपट 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 इंग्लिश झाड़ रहा है, मतलब हमको नहीं आता, सबको आता है, हम हिंदी से ही बोलते हैं। गाइस चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे लगातार वीडियो इंटरेस्टेड वाला व्लॉग में आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए अभी हम चलने वाले हैं, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू लो। हाँ तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि जैसे आपको चंदन भैया ने बताया कि उनके घर पे आज चिकन नहीं बनेगा, तो अभी हम लोग चिकन हमने खरीद लिया है, चंदन भैया ने खरीदा है और एक जगह पे मतलब चिकन बनाने दिया जा रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, या तो बने रहो वीडियो पे। हम कार से जस्ट निकल ही गए हैं और या कार लॉक हो गया और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पे। तो यही वो जगह है जहाँ हम मस्त वाला चिकन को बनाएंगे और लंच भी यहीं पे करेंगे। देख सकते चिकन बन रहा है, आज ही फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं चिकन। तो जब तक चिकन बनेगा तब तक हम लोग चंदन भैया के घर से वापस आ जाएंगे। तो चलो अभी हम चलते हैं चंदन भैया के घर की ओर। हाँ तो दोस्तों ये रहा अपना कार जिससे चंदन भैया मेरे को लेने आए थे मेरे घर तक, ये रहा, ये वही है चंदन भैया, बस बैठेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है अभी चंदन भैया के घर पे आ चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं अभी हम चंदन भैया के घर पे हैं और चंदन भैया जस्ट यहाँ पे मेरे सामने ही खड़े हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग नहा वहा लेंगे, उसके बाद आगे का प्लान क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो बने रहो यार तुम वीडियो पे। हाँ तो दोस्तों हम नहा धो के हो गए तैयार, पर इतने में मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सुंदर लगा। क्या, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहो यार। सबसे पहले तो उनके घर में एक तोता भी था छोटा सा, तोता उतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये छोटा सा नन्हा सा। हाँ तो दोस्तों नहा धो के हम लोग हो गए तैयार और अभी का प्लानिंग ये है कि थोड़ा हम लोग पांड्रा मार्केट घूम के आएंगे। हम लोग हो गए तैयार, चंदन भैया भी हो गए हैं तैयार, और चलते हैं पांड्रा मार्केट, घूमिए लेते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या खासियत है क्या क्या नहीं पांड्रा की। देखने के लिए बने रहो यार। और हमारे चंदन भैया गाड़ी निकाल दिए।
तंगार घून बसलो हो तो और मेरे हौसलों ने कहा आसमान झुका दे, मेरे आई के आंखों के आंसू बोलते थे मुझे इस दुनिया को इसकी औकात दिखा दे। तो फिर माँ ये देख मैंने क्या कर दिया, मेरे खून से मैंने आसमान भर दिया, तेरा बेटा भी आम इंसान नहीं रहा, तेरे लिए मैंने सीने में ही घर कर दिया। हाँ तो गाइस हम लोग आ गए वहाँ पे जहाँ हमने दिया था चिकन बनाने के लिए और खाना हम लोग यहीं पे खाएंगे। तो हमने एक घंटा का टाइम दिया था लगभग, लेकिन यहाँ एक घंटा पार हो गया। तो चाचा देखिए हम ही लोग का यहाँ वेट कर रहे थे, तो फाइनली अभी हम आ गए हैं। चाचा रेडी है ना, सब कुछ एकदम तैयार है, चाचा बोला सब कुछ तैयार हो गया, तो चलो अब खाइए लेते हैं नका। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब हमारी हम लोग का खाना खाने की, तो चलो हम चाढ़ के खाना खाइए लेते हैं। रोटी और चावल है चाचा, कहाँ चाहिए रोटी है तो मार देंगे, रोटी चावलों का प्रॉब्लम है खाना से मतलब ना। हाँ तो फाइनली गाइस काफी ज्यादा चाड़ के भूख लग गया हम लोग, तो हमने खाना भी नाश्ता भी यहाँ पे तैयार किया, नाश्ता नहीं पूरा लंच बोले तो तैयार कर लिया। देख सकते हैं इसमें क्या है, ये सलाद है, ये रोटी है और ये हमने चिकन बनाया और हम खा रहे हैं चंदन भैया के साथ। भूख लगा भाई थोड़ा सा खा के फिर आप लोग वीडियो में वापस आ, चलो खाने का भी मौका दे दो। ठीक है तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, बने रहो वीडियो पे यार। A few moments later. तो फाइनली गाइस खाना वाना हो गया, पैसा हजम हो गया, अब चाचा को हम बाय बोलते हैं। तो चलिए चाचा मिलते हैं, टाटा बाय बोलिए, टाटा बाय बाय बाबू, टाटा बाय बाय, चलो आप मिलते हैं सीधे, चलते हैं चंदन भैया के घर की ओर। मतलब क्या बताएं, खाया ना पेट गदगद हो गया, मज़ा आ गया और क्या, मज़ा आ गया, खाना खा लिया, अब जाएंगे वापस चंदन भैया। तो घूम घाम के वापस घर आ गया। Two hours later. तो finally guys अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम उतना देर से चंदन भैया के घर पे थे, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू चंदन भैया आपका, हमें आपने मुझे आश्रय दिया और इतना खातिरदारी किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए फिर कभी तो मुलाकात होगा ही, अक्सर मिलते रहेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और सीधे जाने वाले हैं अपना अड्डा, अड्डा मतलब जहाँ हम रहते हैं यार, मामा घर मेरा, ससुराल बोलो चाहे मामा घर बोलो, जो बोलोगे आपकी मर्जी। तो अभी हम जाने वाला सीधे निकल जाएंगे फुर्र करके, मतलब बाइक से जाएंगे, उड़ के नहीं जाएंगे, सीधे मामा घर अपना प्रधान कांता। तो बने रहो यार गाइस, बने रहो, आ लाइक ठोको, वीडियो देखते हो अच्छा लगता है तो लाइक ठोक के जाना, अपन को भी खुशी होती है जब कोई मेरा वीडियो लाइक करता है। कमेंट करोगे तो दिल गदगद हो जाता है मेरा, कमेंट करते हो ना तो दिल गदगद हो जाता है, लाइक करते हो तो खुशी मिलती है। तो बाकी आपका मर्जी, आप मेरे को खुशी देना चाहते हो या दिल गदगद करना चाहते हो। टाटा टाटा बाबू टाटा, हाँ टाटा। चलिए फिर ये मेरे को छोड़ने जा रहा है कृष्णा, हाँ कृष्णा बाद में, जेल वेल लगा लिया क्या, बाल खड़ा कर लिया हैं? यार ये तो हीरो बन गया पूरा, कोई बात नहीं हम निकलते हैं अभी। तंगार घून बसलो हो तो और मेरे हौसलों ने कहा आसमान झुका दे, मेरे आई के आंखों के आंसू बोलते थे मुझे इस दुनिया को इसकी औकात दिखा दे। तो फिर माँ ये देख मैंने क्या कर दिया, मेरे खून से मैंने आसमान भर दिया, तेरा बेटा भी आम इंसान नहीं रहा, तेरे लिए मैंने सीने में ही घर कर दिया। तो फाइनली गाइस अभी जो है हम पहुंच गए अपना घर, अपना मतलब अड्डा, और ये लोग मेरे को छोड़ के वापस जा रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं किशन ब्रो, तुम्हारा नाम भूल गए, अनुराग, चलो मिलते हैं। ये आते अच्छा हैं। फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखना। हाँ तो गाइस ये लोग जो है चला गया, और हम अभी घुसते हैं घर और देखते हैं अजीतवा का कर रहा, जो आया है मेरे से मिलने, और उसका बाइक देखो खड़ा है तब से, अभी उसको कॉल किए तो बोलता है कि रूम में घुसल, देखते हैं का करता है अजीतवा। ये अपना घर का
बाल बच्चा बकरियाँ देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ, किसी को चाहिए सेल में तो कॉन्टेक्ट करियो। अयो रामा का करता तुम, मोबाइल जलाते हैं इतना बिजी होती, तुम्हारे लिए हम कितना दूर से चल के आ जाती हैं, और तुम यहाँ पे खाली सोती है, ऐसा थोड़ी चलती है। क्या कर दिया, चलो हगने के लिए। वीडियो तो बंद कर दे। क्या हुआ तुमका, नहीं तुम कभी नहीं हकती है? नहीं हकती है, मोई भी हकती है, सब हकता है, सब्सक्राइबर हकता है, तुम नहीं हकता है? खाता है तो जाता कहाँ है? हम सब सुबह के निकल जाते हैं। हाँ तो वही बोला ना, सुबह सुबह हकते हैं, हम सबको भी हकते हैं। दो टाइम ये अच्छा बात नहीं रहता, वन टाइम में सबके लिए है, खाते तीन टाइम है तो हकेंगे दो टाइम नहीं। अच्छा चलो चलो टहल मार के आते हैं। ओका ये सही है, चल तो निकलो। हाँ तो गाइस हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें आना था, मतलब हगने आना था, तो हम लोग आ गए हैं। और ये हमारा पतंगखंडा का ब्यूटी ट्रेन का ड्यूटी, तो तब तक हम लोग अपना काम करते हैं और आप लोग अपना काम करके जाइए। अपना काम मतलब क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जोहार और झारखंड, जय झारखंड में, झारखंड थोड़े बनना, जय झारखंड। तो मिलते हैं गाइस, लव यू, लव यू।